तो यार हाँ ये बात है कि मैं काफ़ी दिनों से कोई भी ये क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियोस नहीं डाल रहा था, लेकिन उसकी एक वजह थी क्योंकि मैं रुका हुआ था इस स्पेशल एपिसोड के लिए। एक्चुअली मैं मेरी TS9 पे वो विच अनलॉक हुई और मैंने उसके साथ इतना एक्साइटेड हुआ, मैंने लगभग 112 जेम्स उड़ा दी और मेरे पास उतनी ही थी। तो मैंने तो प्रॉब्लम करी थी, मैं TS9 को धीरे धीरे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अटैक किया उसमें हमें, और हाँ ये मैंने कुछ डिज़ाइन चेंज करे तो ये डिज़ाइन जैसा भी लग रहा है बताना, लेकिन हाँ ये वाला काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, इसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से जीतता आ रहा हूँ जितना मैं नहीं जीत सकता था, और काफ़ी अच्छे अच्छे अटैक्स भी जीत गए हम लोग। तो मैंने एक विच के साथ, ये मेरा पहला अटैक है, मैं इसका भी रीप्ले दिखाने वाला हूँ। हमने इसमें 11 ट्रॉफीज जीती है 67% के साथ और लगभग 2 लाख कुछ की वो थी। तो यहाँ से मैंने अपना बारबेरियन छोड़ा था, मैंने विचेस यहाँ पे छोड़ी क्योंकि विचेस का एक टाइम होता है जिस टाइम के अंदर अंदर वो फिर से ये सब ये ऐसे वापस स्केलेटन्स आते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्केलेटन आर्मी रेडी हो गई थी एक्चुअली में। और विचेस का मैंने सही में स्ट्रेंथ देखी और उनका अटैक डिफेंस बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग लगा मेरे को। मैंने शायद से ये मेरा अब तक यूज़ किया और सबसे स्ट्रांगेस्ट ट्रूप मुझे यही लगा, मैंने मतलब जितना यूज़ किया है। लेकिन मैं मतलब पैका भी स्ट्रांग होता है, ये नहीं कर रहा सिर्फ यही सारा स्ट्रांग है, लेकिन इस स्ट्रेंथ के साथ और ऐसी बाप मल्टीप्लाइंग स्पीड के साथ कि भाई बंदा मल्टीप्लाई भी कर सकता है, ये चीज़ मैंने नहीं देखी थी। तो यार जिन लोगों को नई नई विच मिलती है शायद से उनका एक्सप्रेशन ऐसा ही होता है कि वो बिल्कुल ही सोचते हैं यार सही चीज़ मिल गई, लेकिन हाँ मेरा तो कुछ ऐसा ही सही है। और ये विचेस का अटैक भी देखो कि मतलब कितनी आगे तक पहुंच गई हैं। लेकिन विचेस में हाँ एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायर है कि उनका डिफेंस अपग्रेड होना चाहिए, तो यार सुपर सेल से ये चीज़ कोई बोल दो कि उनका डिफेंस भी बढ़ा दिया जाए। ये शायद से अटैक, हाँ ये अटैक का एंड है। मैंने इसमें 1 लाख कॉइन्स की रूट ले ली और 3 लाख उसकी और लगभग 500 डार्क एलिक्जर्स, तो काफ़ी अच्छा रहा ये। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये 1 मिलियन है मेरे पास है, ये अभी एलिक्सर पता नहीं कहाँ से आए, ये कल नहीं थे मेरे पास। और मैंने ये जो था जैसे मेरी कई सारी बैराकैड अभी प्रॉपरली अपग्रेडेड नहीं है, मैंने उन्हें अपग्रेड करने पे अभी लगा दिया है। तो 2 सेकंड यार अभी मैं ज़रा पता करूँ मैं क्या अपग्रेड कर सकता हूँ, फिर हम अपने वो नए वाले बेस पे चलेंगे, मतलब पुराने वाले छोटे वाले बेस पे। मेरे को सिर्फ 5,000 और चाहिए और उसके बाद मैं अपना बारबेरियन अपग्रेड कर सकता हूँ। ठीक है तो मैंने 6 घंटे के लिए लगा दिया है, अभी मिनिमम 4 घंटे पे हमें कुछ मिलेगा, मतलब मिलेगा नहीं, तो मैं अभी अपनी आईडी शिफ्ट कर रहा हूँ फिर कंटिन्यू। हाँ तो यार अभी मैं जैसे ही आया वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई है इसमें मेरे पास, अभी मैंने 500 हिट कर दिए, इसका मतलब अभी मैं ये मैंने पास कर दी है ब्राउन्स की वो लीग, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और मैंने कुछ अचीवमेंट्स इसमें बीच में अनलॉक करी थी वो मैं दिखाना भूल गया, वो मैंने ऐसे ले ली थी, लेकिन हम 400 जेम्स के बहुत पास पहुंच गए हैं। और डिफेंस छोड़ो, हाँ ठीक
ठीक है, तो अब मैंने चीज़ें अपग्रेड पे लगा दी और कुछ अनलॉक हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो भी ये सब बकवास लगती है मेरे को। ठीक है, तो अब हम कुछ अटैक्स करने वाले हैं, ट्रॉफी और ज़्यादा पुश करते हैं, लगभग हम ट्राई करते हैं 540 की, क्योंकि 540 काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। बात ये नहीं है वो सुनने में अच्छा लगता है, बात ये है कि अगर कम भी होता, मान लो 20, मेरी 20 जेम्स भी कम हुई ट्रॉफी सॉरी, तो वो ज़्यादा कुछ फ़र्क देगी नहीं। और अटैक कहाँ से करें, तो पहले इसकी कैनन उड़वाता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता इसमें हॉग राइडर भी हैं इस तरीके के बेस के पास। आर्चरस नहीं डालनी थी यार, अभी ये तो मैंने वेस्ट कर दिया, प्रॉपर वेस्ट। नहीं, हमें कम से कम कुछ तो मिल रहा है। कोई बात नहीं यार, हो जाता है कभी कभार, हो जाता है जब थोड़ी ज़्यादा खुशी मिल गई हो तो। चलो फिर, वैसे अब यार ऐसे मौके फिर अटैक करने का मन करता नहीं, फिर कोई बात नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, काम करता हूँ। हाँ, तो अब हम इन साइड्स पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो अटैक पूरे गेम में हमारे चलते ही रहेंगे, साइडों पे नहीं चल पाएंगे, लेकिन तो मैं अभी सोच रहा हूँ साइडों पे अटैक करते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल अटैक। मैंने अभी अपने जाइंट्स बता रखे हैं कि अगर ये मेरी चीज़ें जो हैं, अगर ये बॉम्ब या किसी चीज़ से मरती हैं, तो मेरे पास कुछ रहेगा अभी भी अटैक करने के लिए, और ये इसे जल्दी मार। देखो अभी जैसे ज़रूरत पड़ गई, तो अगर मैं तभी के तभी, मैं सोचा था पहले पीछे छोड़ दूँ, अगर ऐसे कर देता तो वो मुझे काफ़ी नुकसान देती, मतलब नुकसान नहीं देती लेकिन लॉस हो सकता था। तो अगर आप इस पे अटैक करो तो हाँ, ये टैक्टिक सबसे सही रहेगी, सबसे तो नहीं कहूँगा क्योंकि हो सकता है और भी टैक्टिक्स हो, लेकिन हाँ ये काफ़ी अच्छी रहेगी। और हाँ, हमारी अभी एक अचीवमेंट अनलॉक हुई है, विन 10 स्टार्स ऑन कैंपेन मैप। अच्छा, हमने कैंपेन मैप पे अभी 10 स्टार्स हमें अचीव हो गए हैं। हाँ, तो इसमें मेरा, हम मैं बहुत ही जल्दी एक क्लैन बनाने वाला हूँ। एक्चुअली में जो क्लैन बनेगा, इसमें मेरी TH9 की आईडी को लीडर होगी, और अगर मतलब अभी तो इतने रूल्स मैं नहीं रखूँगा, लेकिन हाँ अगर आप अपने किसी फ्रेंड को ऐड करना चाहते हो, तो यार एक चीज़ का ध्यान रखना कि उनका एक चैनल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस क्लैन में जो भी लोग आएंगे, और मान लो स्टार्टिंग के 10 लोग आते हैं, तो उन 10 के 10 का जो चैनल होगा वो हमारे क्लैन की डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, कि हर किसी के चैनल का नाम। और अगर आप चाहते हो कि आपके चैनल का नाम भी दिया जाए, तो ज़रूर बताना, मैं चैनल की डिटेल्स, मतलब क्लैन की डिटेल्स डाल ही दूंगा जब भी वीडियो बनाऊंगा उसकी। ये वॉल्स के साथ क्यों खेल रहा हूँ, छोड़ो। तो मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ यार, हमारे पास सब कुछ आ चुका है, मतलब नए उसमें जो चाहिए था या नहीं। ओहो, अभी अभी है, मैंने देखा ही नहीं, हमारी आर्मी अभी बढ़ने वाली है। तो ठीक है यार, मेरे हिसाब से हाँ, अब हम बाकी जो भी होगा, मतलब अब तो सीधा यही, हम इसे ठीक करके क्लैन बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि 40,000 में क्लैन बनता है,
और इतनी आराम से नहीं बनने वाला क्लैन। लेकिन हाँ ये एक काम हो सकता है, मैं अपनी TH9 की आईडी से एक क्लैन बनाऊँ, क्योंकि मेरी तो देखो दोनों आईडिया ही रहेंगी, और मैं हो सकता है मैं TH9 की आईडी से क्लैन बनाऊँ और इस वाली आईडी को उसमें ऐड करके इसे लीडर बना दूँ। बात ये नहीं है कि मैं TH9 वाली को लीडर नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो एक तरह का डेड बेस है, और एक डेड बेस एज अ लीडर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जबकि एक अपने लेवल पे एक काफ़ी अच्छा बेस जिसे हम कहते हैं वो एज अ लीडर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हाँ चलो ठीक है, फिर यही थी आज की क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सब्सक्राइब करूँ तो यार बता देना ज़रूर। और वैसे मैंने एक को सब्सक्राइब अभी किया था, उन्होंने मेरे से बोला था, तो अगर आप चाहते हो आपके किसी फ्रेंड को मैं सब्सक्राइब करूँ या आप किसी को जानते हो तो यहाँ ज़रूर बताना। ओ सॉरी, बाय।